हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सारिका आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और आप आज सोच रहे होंगे कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, तो आज मैं बनाने वाली हूँ मूली के पत्तों का साग। आपने शायद ही खाया हो मूली के पत्तों का साग। अगर नहीं खाया है तो प्लीज़ मेरे तरीके से बना कर देखिए, आपको बहुत टेस्टी लगेगा ये मूली के पत्तों का साग। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। के लिए चाहिए हमें कुछ मेथी दाने, दो हरी मिर्च कटी हुई, तीन कलियां लहसुन का और एक छोटा प्याज हम लेंगे बारीक कटा हुआ, और बाकी मूली के पत्ते जो हमने धुल कर के रख लिए हैं और कट करके रख लिए हैं। अब हम लेंगे एक पैन और फ्लेम ऑन कर देंगे उसका, और फ्लेम ऑन करने के बाद मैं उसमें डालूंगी मस्टर्ड ऑयल। अब ये हमारा तेल गरम हो चुका है, तो अब मैं इसमें डालूंगी जो हमने इंग्रेडिएंट लिए थे। इसमें डालूंगी मेथी के दाने और हरी मिर्च, लहसुन, अब इसमें डालेंगे प्याज जो हमने कट करके रखा हुआ था, और इन सबको डालने के बाद हमें इसको एक से दो मिनट ऐसे ही चलाते रहेंगे, और जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, गोल्डन ब्राउन ना हो जाए अनियन का, तब तक हम इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। अब यह हमारा जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है, और अब मैं इसमें डालूंगी मूली के पत्ते जो हमने कट करके रखे हुए थे। अब मैं इसमें डाल दूँगी उन सबको। ये मूली के पत्ता जो है वो थोड़ा पानी भी छोड़ता है, तो इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ हम इसमें ऊपर से इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, ताकि ऑयल और अनियन जो है नीचे रह गए हैं वो सब अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर मैं इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून हल्दी, और आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डालिएगा, क्योंकि ये मूली के पत्ते हैं, तो वो मूली के पत्ते पकने के बाद थोड़ा क्वांटिटी में कम हो जाते हैं, तो हम उसके हिसाब से ही नमक डालेंगे। तो हमने इसमें नमक डाल दिया, और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद 10 से 15 मिनट तक हम इसको ढक करके पकाएंगे, क्योंकि ये मूली पानी छोड़ता है, तो इसलिए हमें 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको पकने के लिए। बट आप बीच बीच में इसको खोल करके ढक्कन देखते रहिएगा, चेक करते रहिएगा। खोल करके देख लेते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं, तो मूली हमारा लगभग पक चुका है, बट अभी भी थोड़ा इसमें पानी है, तो 5 से 7 मिनट तक फिर से इसको बिना ढक्कन के पकाएंगे, मतलब हम इसको ढक्कन हटा करके पकाएंगे। ये हमारा साग तैयार हो चुका है, अब इसमें से खुशबू भी आने लगी है, सोंधी सोंधी खुशबू भी आने लगी है, तो अब हम इसको एक बोल में निकाल देंगे। इस रेसिपी में हमने कुछ भी मसालों का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ हमने हल्दी, नमक और प्याज, लहसुन और मिर्च का और मेथी का यूज़ किया है, बाकी और एडिशनल मसाले हमने कुछ भी नहीं डाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया, ये रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।